सदगुरु एक धारा है, एक प्रवाह है, जिसका संबंध ब्रह्म से है, जिसका संबंध ब्रह्म विद्या से है, जिसका संबंध जीव के आध्यात्मिक कल्याण से है, वही सत्ता सदगुरु की सत्ता होती है, वही सत्ता सदगुरु की सत्ता होती है। अनादिकाल से आत्मा शुभ अशुभ कर्मों को करते हुए इस संसार सागर में है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, भोगों को, पदार्थों को संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता जा रहा है। लक्ष्य क्या है, ये जीवन क्यों मिला है, ये जीवन है क्या, जिस सत्ता के माध्यम से हम इसका अनुभव कर पाते हैं, वही सत्ता सदगुरु की सत्ता होती है, वही सत्ता। हम जीवन कहें, हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात तो नहीं है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, वह एक ही बात है। जीवन को ठीक ठीक समझ लिया, जीवन को ठीक ठीक जान लिया, ये जीवन है क्या, इसका वास्तविक रूप से अनुभव कर लिया, इसका वास्तविक रूप से ज्ञान प्राप्त कर लिया, इसका अर्थ है परम सत्य का अन्वेषण कर लिया, परम सत्य का अन्वेषण कर लिया। ये जीवन है क्या, इसका अनुभव हो जाए, क्योंकि जीवन और सत्य दो नहीं है। हम जीवन कहें, हम जीवन कहें या सत्य कहें, क्योंकि जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा हम सबों के जीवन का आधार है, जो आनंदमय है, जो शांतिमय है। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार अज अद्वैत अनाम है, अज अद्वैत अनाम है, परम पुरुष करता। सबके जीवन का आधार परमात्मा है, जो हमारे प्राणों का प्राण है, जो हमारे श्वासों का श्वास है,
जो आत्मा के अंदर बल प्रदान करने वाला है, जो आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से सूक्ष्म रूप से स्थित है, वही सत्ता सबका आधार है, सबका स्वामी है। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? सद्गुरुदेव कहते हैं, कर विचार मैं कौन हूं। कौन हूं मैं? आत्मविस्मृति ही स्वयं को न जानना ही, स्वयं को न पहचानना ही दुखों का कारण है। स्वयं को न जानना ही दुखों का कारण है। आत्मविस्मृति ही खुद को भुला देना ही महान दुख है। कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए, बद्ध मुक्त के ही भांति सो ग्रहण करो सत सोए। कौन हूं मैं? ये ब्रह्म क्या है? जगत का आधार क्या है? किस प्रकार से सृष्टि हो रही है, प्रलय हो रहा है, जिस प्रकार से सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है, जिस प्रकार से सृष्टि और प्रलय का क्रम चल रहा है, उसी प्रकार से बद्ध आत्माओं का भी क्रम चल रहा है। एक शरीर प्राप्त हुआ, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया, पुनः नया शरीर प्राप्त होता है, कर्म फल भोग प्राप्त होते हैं, पुनः शरीर छूट जाता है। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश। कौन हूं मैं? मैं शरीर तक सीमित तो नहीं, मैं इंद्रियों तक सीमित तो नहीं, शरीर रथ है। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं? इंद्रिय अश्व अरु मन रज्जु, बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। शरीर रथ है, शरीर को सद्गुरुदेव ने कहा कि रथ है, कितना सुंदर सर्व साधन संपन्न ये शरीर मिला है, ये रथ मिला है। कौन चला रहा है इस रथ को? रथी है, आत्मा है। आंखों से हम देख रहे हैं,
क्यों देख पा रहे हैं? ये सूर्य देव आदित्य रूप से हमारे आंख के गोलकों में ही प्रविष्ट है, हमारे आंख के गोलकों में ही प्रविष्ट है। जो बाहर है वही भीतर भी है, और जो भीतर है वो केवल भीतर ही नहीं है, वही बाहर है, बाहर भी उसी का पसारा है। शरीर रथ है, आंखों से देख रहे हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण कर रहे हैं। वेद में ऋषि क्या कहते हैं? भद्रम कर्णे भी श्रुणियाम देवः भद्रम पश्चि माक्ष वीर्य यत्रः। कानों से क्या सुने? कानों से कल्याणकारी वचनों का अधिक से अधिक श्रवण करें। आत्मकल्याण में ये दो कर्ण कैसे कितने उपयोगी हो सकते हैं? कानों से कल्याणकारी वाणियों का खूब खूब श्रवण करें, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी हो, ऐसी वाणियों का खूब खूब श्रवण होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। कानों से अगर श्रेष्ठ वाणियों का श्रवण नहीं किया, स्वरवेद की वाणियों का श्रवण नहीं किया, सत्संग की वाणियों का श्रवण नहीं किया, तो जैसे ये दो कान न होकर सांप का बिल बन जाए। भोजन में विष मिला दे तो कोई बच सकता है, और कानों में कुछ जहर घोल दे तो बिल्कुल जैसे मानो बचना मुश्किल हो। तो सत्संग का श्रवण ना होने से, कल्याणकारी वाणियों का श्रवण ना होने से अधिक श्रवण किसका होता है? जो आत्म कल्याण में उपयोगी ना हो। तो जो सुनना है वही सुनना, बाकी सुनते हुए भी न सुनना, ऐसा योगी होता है, ऐसा विहंगम योगी होता है। भद्रम कर्णे भी श्रुणियाम देवः भद्रम पश्चि माक्ष वीर्य यत्रः। आंखों से कल्याणकारी देखे, आंखों से देख रहे हैं, कानों से शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, हम जिह्वा से रस ले रहे हैं, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये चरपरा है। त्वचा जो सिर के शीर्ष भाग से लेकर पैर के तलवे तक है, जो त्वक इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है, उससे हम स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, रसनम घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनस्यायम विषयानुपसेवते।
आंखों से बाहर का, कानों से बाहर का, नासिका से बाहर का, जिह्वा से बाहर का, त्वचा से बाहर का, जो बाहर का समाचार है, जो बाहर का समाचार है वो तो मिल रहा है। मन के माध्यम से हमारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं। इंद्रिय अश्व अरु मन रज्जो बुद्धि सारथी जान आत्म रथी रथ देह है त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। बुद्धि सारथी है, बुद्धि सारथी है, उसके पास निर्णय की शक्ति है। मन लगाम है, इंद्रिय गण घोड़ों के समान है, रथ में घोड़े लगे रहते हैं, रथ में घोड़े लगे रहते हैं, ये घोड़े किधर दौड़ते हैं, ये घोड़े उधर ही दौड़ लगाते हैं जिधर लगाम का सहारा होता है, जिधर लगाम का सहारा होता है। जैसा मन है, जैसी मन की स्थिति है, उसी के अनुकूल इंद्रियां कार्य कर रही हैं। जैसा जैसा हम मन लेकर आए थे, जैसी जैसी बुद्धि लेकर आए थे, जैसा जैसा हम अंतःकरण लेकर आए थे, पूर्व जन्म से, पूर्व जन्म से जैसा जैसा अंतःकरण लेकर आए थे, जैसा मन, जैसी बुद्धि, चित्त की जैसी स्थिति थी, जैसा जैसा लेकर आए थे, हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। या तो लगभग लगभग वैसा ही वैसा लेकर जा सकते हैं, या उससे भी खराब कर सकते हैं, या मनुष्य के पास इतनी शक्ति है कि अपने अंतःकरण को शुद्ध से शुद्ध बनाकर जा सकता है, शुद्ध से शुद्ध बनाकर जा सकता है। या तो लगभग लगभग वैसा ही लेकर चला जाएगा जैसा लेकर आया था, और खराब कर सकता है, संसार में उलझकर, इन भोगों में उलझकर, इन पदार्थों में उलझकर, मैं तू यह वह, मैं तू यह वह में उलझकर खराब भी कर सकता है, लेकिन जो साधक है, जो साधिकाएं हैं, वे अपने मन को, वे अपने अंतःकरण को, वे अपनी आंतरिक स्थिति को शुद्ध से शुद्ध बना लेते हैं, पवित्र से पवित्र बना लेते हैं। ऐसी शक्ति है, ऐसी धारा है, ऐसा प्रवाह है। सद्गुरु का ज्ञान हमारे अंतःकरण को पवित्र करने के लिए है। ये पावन जन्म जयंती हमें पावन बनाने के लिए है। ब्रह्म विद्या का ज्ञान हमें पवित्र बनाने के लिए।